हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया होंगे तो मैं चुका हूँ नई वीडियो लेके। और भाई, इस वीडियो में हम आ चुके हैं नोवो रिपनोय। और ये गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा मस्त है। इसमें मतलब ये स्कोर सारी अच्छी है, जैसा कि तुम देख रहे होंगे पैराशूट सबके सीजन 6 सब एस वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि ये बंदे थोड़ा मतलब इनका लक अच्छा नहीं था इस गेम में, जैसे कि मेरा हो जाता है कई बार कि मैं अच्छा नहीं खेल पाता और बंदे अच्छे खेल लेते। तो आज उल्टा हो गया कि मैं अच्छा खेल रहा था, ये बंदे मतलब अच्छा खेल रहे थे, ये भी सपोर्ट कराया इन्होंने पूरा, लेकिन इनके किल्स इतने नहीं हुए तो मेरे पे आए गए सारे किल्स। मतलब मेहनत तो इन्होंने भी करी है लेकिन किल्स मुझे मिले हैं। तो यहाँ पे यार एक बंदा भाग रहा था कंटेनर की तरफ, तो हमने उसे पहला जल्दी से, वो भी हमारी तरह होगा बेचारा कोई, और मुझे डीपी मिल गई, उसे नहीं मिली, किस्मत ख़राब थी उसकी, तो मैंने उसे पेल दिया। वो भी भाग रहा था बच के क्योंकि कोई उसके पीछे पड़ गया होगा। तो अब उसे मैं फिनिश करने की सोचता हूँ कि पूरा ख़त्म ही कर दूँ यार। लेकिन यहाँ पर मुझे एक लालच आ रहा था चीज़ का, और वो ऐसी चीज़ है कि भाई वो मतलब स्टार्टिंग में तुम लोगे लोगे, और वो चीज़ क्या है, वो है हेलमेट। और क्या है, तो हेलमेट यार ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बाई चांस यार एक हेडशॉट पड़ गया किसी भी बंदूक का तो गए। तो यहाँ पे मैं उसे पेलता हूँ जल्दी से उसके पिछवाड़े पे स्प्रे करके, और भैया जी को हम पूछाते थे लोबी में कि जाओ भाई दूसरा गेम खेलो। तो एक बंदा और आ रहा था, और ये मुझे बंदा नहीं बोट सा लग रहा है थोड़ा सा इसकी हरकत देख के, क्योंकि ज़मीन को देखता हुआ चल रहा था ये कि नीचे गोबर वोबर तो नहीं। तो यहाँ पे यार मेरा एक बंदा जो है वो नॉक हो चुका है, और अब हम कुछ नहीं कर सकते मतलब, क्योंकि वो बहुत दूर है और वो अकेला ही चला गया एग्रेशन में कि उसे अकेला बंदा दिखा था। लेकिन भाई कैंपर्स होते हैं कि खा जाते हैं, और उस बंदे का मुझे देख लिया है, लेकिन पीछे मेरा मतलब एक दोस्त जो है वो कवर फायर दे रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है और मैंने इसे पेल दिया जल्दी से। तो जो अब एक स्क्वाड है वो है दूसरी तरफ जाके, मतलब स्टार्टिंग में नोवो के कंटेनर्स पे, जैसे कि तुम देख रहे हो शॉर्ट्स आ गए मैप को देखना। और यार एक बहुत ही तगड़ी चीज़ होती है इस गेम में, और लास्ट में देखना एंडिंग बहुत ही गजब है यार इसकी। तो यहाँ पे एक बंदा था जो कि मुझे पता था, और इसलिए वजह मैं उसे मतलब इधर आ गया हूँ बिल्कुल क्लोज रेंज लेने के लिए, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं थी। और यार तुम पूछते हो कि क्लोज रेंज में कैसे जीते, तो ये देखो यार क्लोज रेंज में 50-50 होता है, तुम भी जी सकते हो वो भी जी सकता है। तो मतलब ऐसा रखो कि क्लोज रेंज लो ही मत, बचो उससे। जैसे कि अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कवर ले रखा था कंटेनर का, और एकदम से मार दिया। अगर मैं मतलब फेस टू फेस करता तो शायद वो मेरे को मार देता। तो यार क्लोज रेंज अनप्रिडिक्टेबल है कि वो क्या कर दे, तुम क्या कर दो, क्या हो जाए, गुल गुल घूमने लगवा। तो थोड़ा यार डिस्टेंस बना के ही मारने की कोशिश करो, और अगर घर में कोई बंदा पुश करना है तो मज़े में नेड करो, वो खुद हिलेगा, खुद आएगा, मारो उसे, ठीक है। और यहाँ पे भैया एक बंदा और आ चुका था हमें, मतलब उनके पैरों की आवाज़ आई थी। तो अब यहाँ पे कोई पीछे से बैक फायर भी दे रहा है दूसरे स्क्वाड वाले, लेकिन वो फिर गायब हो जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे देखो मेरा एक दोस्त जो है वो नोक हो चुका है, और अब मतलब यहाँ की स्क्वाड हो चुकी है ख़त्म, लेकिन एक बंदा जो है वो पीछे है और वो गोल गोल घूम रहा है। मुझे उसके फुटस्टेप्स आ रहे हैं, जैसे तुम मैप में भी देख रहे होंगे। तो अब मैं उसे ही देख रहा हूँ कि वो कहाँ है, और वो ऐसे ही फंसता है जैसे कि मैं फंस चुका हूँ कई बार, उसका भी गेट नहीं खुला ऐसे। भाई मैं बहुत मरा हूँ भाई, कॉर्नर में बहुत माइनस होती थी मेरी, तो बहुत ही गंदा लगता है यार ऐसे जब गेट में अटक जाते हैं। और इसका तो चलो अभी कॉर्नर लेवल का नहीं है, लेकिन भाई हमारे तो 50-50 माइनस हो जाती थी इसके चक्कर में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्मोक कर देता हूँ, जिससे कि कोई मतलब उधर से फायर कर रहा था ये बंदा कह रहा था, तो वो ना मार पाए इन्हें। तो मैं उसे चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर बंदा है, लेकिन मुझे नहीं दिखा, शायद वो चला गया है। तो अब भैया हम आ चुका है पोचिंग की सबकी प्यारी सी जगह, जिसको सब चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा आ रहा था, उसे भगता भगता उसे नहीं पता भैया हम यहाँ पे आ चुके हैं और टीपीपी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बंदा और था जो कि हवन ने कोशिश कर रहा था, और वो भी इधर ही है मेरे आसपास बिल्कुल। तो मैं उसे देख रहा हूँ बस कैसे मुझे मौका मिले, और 3x मैंने लगा रखा है, और भैया आ गए स्नैक वाले। मतलब भाई ऐसे सांप कौन बनता खुले में, ये इसको अपने प्लेयर पर पूरा भरोसा था, जो कि उसने बाद में काम करा, कवर फायर दी तो उसने, लेकिन बाद में दी जब मैं उसे ख़त्म कर चुका था, मतलब ख़त्म तो नहीं नॉक कर चुका था, लेकिन अब उसे ख़त्म कर देगा मेरा टीममेट जो है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी दिमाग लगाता हूँ कि फालतू में ऐसे लड़ते रहे तो हम नॉक होंगे, फिर वो नॉक होंगे, फिर वो रिवाइव होंगे। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, मैं फ्लैंक कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे एक और बंदा हमें खोना पड़ जाता है, मतलब वो खा जाता है पूरा का पूरा। तो ऊपर एक बंदा था जो कि मुझे दिख चुका था, और भाई 3x डीपी का कमाल। और गाइस मैं कहना चाहूँगा कि डीपी मेरी फेवरेट गन बन चुकी है अब सच में। मैं मतलब ऐसे ऐसे चीज़ इससे हो सकती है ना जो और गन से नहीं हो सकती, भाई AWM वालों को पेल रहा हूँ ठीक है इससे। और एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी कोई वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह की, लेकिन भाई अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरी फेवरेट गन DP28 है ठीक है। ये दे दो मुझे, एक 3x दे दो कम से कम, बस
छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और भाई सच में गजब कहना है। तो यहाँ पे यार अब ये बंदे मतलब हमने ख़त्म कर चुके हैं, तो इसका लास्ट टीममेट जो है वो भग गया था इधर से, मतलब उसको मतलब पता था यार जब दो मतलब हम ज़्यादा थे वो अकेला था। तो यहाँ पे यार मैं उसको ढूंढ रहा था लेकिन वो खुद ही मेरे पास आ गया कि चलो भाई यहाँ जाके आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, नहीं तो भाई पुलिस वाले सजा देंगे। तो वो मुझसे पहलते जल्दी, और यहाँ पर मुझे 6x भी मिल चुका है। तो भैया मकर कंप्लीट हो चुका है DP28 का सारा, और M762 जो है वो है मेरी सेकंड, ठीक है। तो सेकंड फेवरेट गन है M762 क्लोज रेंज, भाई सच में AKM से ज़्यादा अच्छी है नो डाउट, क्योंकि इसमें ज़्यादा अटैचमेंट लगता है। अगर तुम ज़्यादा अटैचमेंट लगा लो तो AKM से अच्छी है ये, ठीक है। फायरिंग स्पीड और ये स्टेबल गन है थोड़ी, AKM थोड़ी अनस्टेबल सी, मतलब उसके रिकॉइल पैटर्न कंट्रोल कोई भी कर लेता है, अब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ऐसा है कि AKM इतनी अच्छी नहीं लगती यार जितनी M762 है। तो मतलब यार नहीं करना ये, तो मैंने ट्राई किया और सच में यार इसकी रिकॉइल थोड़ी सी मतलब ऐसी है, अच्छी सी है मतलब रिकॉइल। तो यहाँ पे तुम देखो ऊपर देखो मैप पे दो बंदों के निशान आए होंगे तुम्हें, ठीक है, मतलब इस घर पे ऊपर दो बंदे के निशान आए हैं हमें। और भाई मेरी हेडफोन अच्छी सी है, मुझे पता चल जाता है कि कोई मतलब कूद रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। तो मुझे उसकी साउंड आई थी कि वो ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ कि नेट वेट कर लूँगा भाई दो फुटस्टेप से, तुम पीछे करके देख सकते हो वीडियो, तो पीछे ऊपर मैप पे देखना थोड़ा सा पीछे करके। तो अब भैया हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चलो भाई, मैं थोड़ा डाउट में था कि वो TPP ना ले रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही फॉल्स नेट करने की कोशिश करी थी, मतलब पिन खींचा था फिर अंदर रख लिया था कि वो थोड़े साउंड देंगे, भैया ढीठ बंदे नहीं दे रहे साउंड। तो यहाँ मैं थोड़ा नेट कर देता हूँ कि क्या पता भाई मर जाए, नहीं मरे, ठीक है। अब मुझे लगा कि भाई अब तो एक ही जगह है, ऊपर TPP ले रहे होंगे गेट के पास, जैसे हम ऊपर जाएंगे मारेंगे। तो मैं मोली कर देता हूँ कि भाई देखो पूरा ही सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो कि भाई जाके अब अंदर दुन घुसेंगे तो TPP जो ले रहा है वो मार देता है, ऑब्वियस बात है यार। तो यहाँ पे यार अब देखना क्या होगा, ठीक है। मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे अब पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई नहीं है, अब देखो गायब। और भाई ना मुझे कूदने की आवाज़ आई, ना गाड़ी जाने की आवाज़ आई, उनकी गाड़ी भी अंदर ही खड़ी थी, तो मुझे नहीं पता कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, पता नहीं सपेरे बन बन के भग गए, कुछ नहीं पता। तो ये बंदा यार मैंने इस पर स्प्रे करा, ये से नहीं पता चला कि इधर से गोलियां चल रही हैं, और ये बंदा मतलब ऐसे ही लेट गया जमीन पर कि दूसरी तरफ से चढ़ रही हो, लेकिन उसे नहीं पता था मैं इधर से मार रहा हूँ। तो मैंने उसे किल करा जल्दी से, और ये भाई गलती होती है यार ओपन, जब ओपन जोन बनती है काफ़ी दिक्कत होती है। तो मुझे यहाँ पता चल चुका था कि कहाँ पे जोन बनेगी लास्ट, और प्रेडिक्शन करना यार बहुत ईजी है, मतलब जहाँ पे थोड़ी मतलब लास्ट की जोन में अगर कोई घर है तो तुम वहाँ पे रहो, ठीक है। अगर तो यहाँ पे दो बंदों का फ्री में किल मिला है, मतलब आपस में लड़ रहे थे या क्या कर रहे थे, दोनों का एक दूसरे का कुछ नहीं पता था आपस में, बस बहुत पास में लेटे थे और ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे थे, पता नहीं यार क्या कर रहे थे। तो मैंने इन दोनों को मारा कि चलो भाई जाओ अब दोस्ती निभाना। तो यहाँ पे यार हम आ चुके हैं दो गाड़ी लेके, ऐसे ही कर लिया हमने कि लास्ट में थोड़ा मतलब फ़ायदा मिल जाएगा दो गाड़ियों का, क्योंकि होता है ना ओपन जोन में अगर बाई चांस बनेगी। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर अगर ओपन जोन है और वहाँ पर कोई घर है तो मतलब 80% उधर ही बननी है जोन, 20% होते तुम्हारी किस्मत ख़राब हो और फिर कहीं और बन जाए। तो बस यार तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ओपन जोन यार बहुत ही मुश्किल है और वहाँ पे मतलब कोई शोर नहीं हो सकता कि वही जीतेगा, ठीक है। ओपन जोन में कुछ पता नहीं कौन जीत जाए। तो यहाँ पे एक बंदा भाग के आ रहा था, तो मैं थोड़ी सी खिड़की थी इसमें से मारने की कोशिश करी, तो यहाँ पे अच्छा शॉट नहीं लगा, थोड़ा दीवार में भी लग गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और भैया पीछे से हम पे कार 98 पड़ गई, तो यहाँ पे पीछे से कार 98 पड़ रही है, आगे वाले बंदे पे भी स्नाइपर है और सब कुछ है। तो मैं इसे थोड़ा अपने दोस्त जो है मेरा इसको मैंने बता दिया कि भाई स्नाइपर है थोड़ा देख के। तो एक बंदा यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था कि भाई एक घर के नीचे इनका घर मतलब तबाह करके मैं इनके घर के नीचे रहूँगा, रोटी खा के पाऊँगा, पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं। तो अब एक बंदा जो है वो कार 98 चला रहा है बहुत देर से, और भाई मेरा सच में दिमाग ख़राब हो चुका है उसकी टक 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 सुन के। तो अब देखना भाई DP से हम उसे मारेंगे कार 98 वाले को। यहाँ पे एक बंदा और था उसको मैंने थोड़ा स्प्रे करा, और इस पर यार तीन गोली लगी DP की, तो फोर श्योर इस पर मतलब लेवल 3 के वेस्ट थी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई तीन गोली में ख़त्म है बंदा, और लेवल 3 की वेस्ट थी यार, बच गया पर पता नहीं कैसे। तो ये रहा कार 98 वाला, देखो कितना बड़ा नूब है, मतलब प्रोन होके कंटेनर पे भैया जी प्रोन हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि क्राउच होके कैसे कोई गोली मारे तो हट जाए, नहीं प्रोन होके पड़ गए बिल्कुल। तो यहाँ पे अब मैंने इसे थोड़ा सा मतलब टैकल किया, इसको मतलब बहुत डैमेज दिया दोबारा, और किल कोई और ले गया, मेरे दो किल यहाँ पे गए। तो एक बंदा आया गाड़ी लेके इधर, और उसको हमने थोड़ा सा पेलने की कोशिश करी, लेकिन वो खुद ही पिला जाएगा। तो पीछे से भैया DP पेलने लगा अब कोई, तो अब हम क्या करें, मेरा एक और जो टीममेट था वो भी नोक हो चुका है, तो पीछे से कोई DP पेल रहा है। तो अब मैं थोड़ा सेफ होना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऐसा है कि हम सेंटर में हैं, ठीक है, हमारे ये घर है, तो चारों तरफ जितने भी सपेरे होंगे ना सबकी नज़र यहीं पे होगी कि ये झोपड़ी है यार, इसको इसमें कोई तो है। तो यहाँ पे हरा भालू आ रहा था, इसको हमने पेला जल्दी से, ये क्या सोच रहा था कि भाई तू उधर से DP का डैमेज देगा। तो यहाँ पे एक बंदा जो खड़ा था TPP ले रहा था अंदर देखने को, उसे पीछे से किसी ने मार दिया, तो वो नोक हो चुका है, तो उसे नोक ही छोड़ दिया किसी ने, तो हमने उसे पूरा ख़त्म करा। तो इसका लास्ट बंदा जो है वो लास्ट बंदा इसी का टीममेट है, मतलब लास्ट जो मैं मारूंगा, तो लास्ट तो कोई और था।
तो यहाँ पे ये बंदा मेरा कब से नोक पड़ा है भाई, मुझे अब पता चला कि ये नोक है। सच में मेरा ध्यान नहीं था यार, क्योंकि एक तो मैंने वो नीचे लगा रखे हैं नेम्स वाले, और मैं स्क्वाड के साथ अभी खेलना शुरू कर रहा हूँ दोबारा, तो मेरी आदत सी चली गई, मुझे सच में पता ही नहीं चला, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा गेम में ही व्यस्त हो चुका था कि भाई देख रहा था इधर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चला कि भाई मेरा टीममेट नोक पड़ा है। तो अच्छा हुआ यार वो बच गया, मेरी वजह से नहीं मारा, क्योंकि हो सकता था मैं ध्यान नहीं देता और हो सकता कोई मार देता फिर। चलो कोई बात नहीं यार, बच गए। तो यहाँ पे यार स्मोक 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 है, ठीक है, चारों तरफ धुएं धुएं धुआं है। तो अब देखो ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे भाई मैं थोड़ा सा बचाऊँ, बस थोड़ा सा, एक गोली मैं ख़त्म। तो बस यार स्मोक का वो है क्या कहते हैं साथ, और मैं प्रोन हो गया। मैं शर्माता नहीं भाई प्रोन होते हुए, प्रोन होना पड़े तो हो जाओ ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई प्रोन नहीं होना चाहे मर जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और स्मोक कर देता हूँ, जिससे कि मतलब ये स्मोक गायब हो जाए तो भाई वो तो जान बचा ले, क्योंकि कई बार होता है स्मोक गायब हो जाता है भैया जब मतलब ज़रूरत होती है। तो मैंने मेडिकेट मारी जल्दी से, अब मेरी वेस्ट तो बिल्कुल गायब पड़ी है और लेवल 3 के हेलमेट में कम जान है। तो यहाँ पे वो बंदा मुझे दिख चुका था, और उसमें मैंने ऐसे ही थोड़ी सी मतलब फायर करी प्रिडिक्ट करके, और भैया उसे हेडशॉट से हमने ख़त्म कर दिया DP28 से। तो DP28 सच में बेस्ट गन है इस गेम के अंदर, जो बेस्ट गन अगर मैं कह सकता हूँ वो DP28 है सच में। आपकी कौन सी बेस्ट है भाई? देखो इसमें क्लैश मत हुआ करो कि भाई ये DP28 कैसा कर रहा है, मेरी तो ये फेवरेट है। भाई तुम्हारी अलग फेवरेट है, मेरी अलग फेवरेट, और तुम्हारी फेवरेट है वो नीचे कमेंट में बताओ, हम उसे भी मतलब अप्रिशिएट करेंगे, और बताना कि क्यों तुम्हें वो पसंद है। और DPG जिसको पसंद है तो भाई वो तो कर ही देना कमेंट। तो यहाँ पे मेरे लास्ट वाले बंदा जो ये बच गया था जिसे मैंने रिवाइव करा, इसने दो बंदे पेल दिए लास्ट में, मैं थोड़ा ऐसे लेट के मजे ले रहा था कि चलो भाई ये मार लेगा। तो हो चुका है चिकन डिनर हमारा, 19 किल्स है मेरे। ये बंदे थोड़ा पहले ही मर गए थे, लास्ट वाले मेरा साथ दिया यार, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो मतलब मेरा डैमेज अपने ऊपर ले रहा था जो गोलियां पड़ रही थी, तो वो हेल्प ही हो जाती है कि वो मेरे मतलब मेरे बजाय वो नोक हो रहा है, तो बहुत बड़ी हेल्प है। तो भाई थैंक यू यार जितने भी मेरे टीम मेट्स थे, और थैंक यू यार तुम लोगों का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जो नए बंदे हो। और भाई बताओ यार कुछ मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है नीचे पबजी से रिलेटेड, अभी लिख दो नीचे, मुझे नहीं पता। तो बस यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।